तो गाइस मेरे पास एक इस टाइप का एक सेल है, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी का सेल है। और मेरे पास इस टाइप की 1.5 वोल्ट की एक लाइट है, ठीक है। ये 3.5 वोल्ट तक ये आसानी से चल जाएंगी, चलेंगी नहीं, ठीक है, ये वर्क में आएंगी आएंगी। तो मैं इसको जो है पहले चेक कर रहा हूँ कौन सी लगी इसकी पॉजिटिव और कौन सी इसकी नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव को हम आपस में सोल्डरिंग कर देंगे, ठीक है। तो मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। पॉजिटिव ऊपर वाली और जो नीचे वाली है वो हमारी नेगेटिव है, ठीक है। वैसे गैस आज की जो वीडियो है बहुत दिनों के बाद आ रही है, तो सॉरी यार, लेकिन क्या है एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रहा हूँ, लेकिन जल्दी से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊँगा, ठीक है। और आप अपनी चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, जल्दी से। ऐसा क्यों कर रहे हो, चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं की, बहुत लोगों ने आपको सब्सक्राइब नहीं की, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ ये किस टाइप से जल रही है, ठीक है। आसानी से जल रही है और ये बिल्कुल ही वर्कफुल है, ठीक है। और आसानी से घर पर है मेरे अंदर से 60 से 70 रुपये पर बन जाएंगी, अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है तो। वरना इसमें खर्च मतलब कि 20 से 30 रुपये का ही है सिर्फ और सिर्फ। जो LED मैंने आपको दिखाई थी वो 5 की 2 या 5 की 1 आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और इस टाइप के मेरे पास PVC की 2 पाइप है, आप एक रख सकते हो, लेकिन मेरे पास एक लंबी नहीं थी इसलिए मैंने 2 लगाई, ठीक है। और एक ओल्ड हमारा जो LED बल्ब होता है उसका एक पीस है, ठीक है। और एक PVC शीट को मैंने काट कर इस टाइप से छेद कर लिया है। और अभी जो इसमें मैंने एक चार्जिंग मॉड्यूल लगा दिया, मतलब कि चार्जिंग जैक है हमारा फीमेल जैक। और अभी जो है एक LED लगा रहा हूँ, जिससे कि क्या होगा कि चार्ज होंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो मैंने इस टाइप से इसको चिपका दिया इसमें जो एक प्लास्टिक की थी उसमें। अब इसको हमें इसके अंदर इस टाइप से कुछ फिक्स करना होगा, ठीक। तो आप इसको जिससे चाहो उससे आप इसको फिक्स कर सकते हो, MCL का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं ग्लूगन का यूज़ करने वाला हूँ और ग्लूगन से लगाने वाला हूँ, ठीक है। इसको मैं बाद में लगा दूँगा और पहले हम आते हैं इसकी वायरिंग पे, ठीक है। तो वायरिंग इसकी बिल्कुल ही हलवा है, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल ही आसानी से वायरिंग इसकी हो जाती है। तो अभी जो मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी LED की पॉजिटिव और हमारी जो जैक की पॉजिटिव है, उन दोनों को आपस में सोल्डरिंग कर देना है, ठीक है, आपको दिखा दो, ठीक है। तो आपने देख लिया, इन दोनों को आपस में सोल्डरिंग कर देना है। और अभी जो इसकी LED की नेगेटिव है वहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस लगेगा 1K का, ठीक है, 1K का एक रेजिस्टेंस। और जो हमारी सॉकेट की नेगेटिव है वहाँ पे एक डायोड लगेगा इन 4007 का, उसे हमें लगाना है ब्लैक वाली साइड। और जो हमारा रजिस्टर्स रहा, ठीक है, उसको हमें कनेक्ट करना है डायोड की ब्लैक वाली साइड पे। और मैंने एक वायर लगा दिया है रेड वाला, वो पॉजिटिव के लिए नहीं है, माइनस के लिए, लेकिन मैंने उल्टा लगाया है। और जो दूसरा वायर था उसे हमें लगाना था हमारे LED के नेगेटिव के साथ, ठीक है। अब हमें पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगा देना, ठीक है। ए वायर पॉजिटिव का है लेकिन मैंने मॉड्यूल में थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया था, ठीक है, मुझसे गलती से कलर दूसरा लग गया, नेगेटिव की जगह पे रेड लग गया। तो कोई बात नहीं, आप ऐसी गलती मत करना। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा बनके रेडी है, ठीक है, तो बिल्कुल ही आसानी से बन गया है, आपको दिखाता हूँ। तो इस टाइप से मैं इसको अंदर डाल दूंगा। और गैस इसमें एक और गलती हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं जब पैक कर रहा था तब मैंने सेलो टेप नहीं लगाई थी, तो उसकी वजह से धुआं निकलने लगा, ठीक है, आप देख सकते हो कितना धुआं निकलने लगा था, वायर शॉक हो गई थी और वायर जल गई थी। तो इधर आपको सेलो टेप लगानी है, आपको दिखा दिया मैंने, इस टाइप से आपको सेलो टेप लगाने और बाद में इसको अंदर डालना है। वरना क्या हुआ कि इसके अंदर जो है फोग निकलने वाला था, मतलब कि फोग निकल गया था इसका जो स्मोग है वो। तो अभी जो मैं इसको फिक्स करूँगा, और फिक्स करने में भी बिल्कुल आसानी फिक्स हो जाएगा ग्लूगन की मदद से। और इसमें अभी मैं स्विच लगाने वाला हूँ। तो क्या स्विच से पहले मेरे पास एक दूसरा टुकड़ा था उसे भी लगा देता हूँ। और गैस वैसे ये टुकड़ा मुझे काम में आ गया है। अब इससे क्या होगा कि हमारी जब बैटरी मतलब कि बिगड़ेगी, वैसे बिगड़ेगी तो नहीं, लेकिन कुछ वर्क नहीं कर रही है, तो इसको निकाल सकते हो आप इस टाइप से, ठीक है। मैं इसको चिपकाने नहीं वाला, ऐसे ही लगाने वाला हूँ, ठीक। तो इसको हम फिक्स करेंगे। और अभी LED जो है मतलब कि लैम्प हमारा,
उसको हम चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव पे। तो पॉजिटिव वाली वायर पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव। तो मैंने एक स्विच ले ली है, उन दोनों को कोई भी एक वायर पे स्विच को लगाने का, ठीक है। हम तो स्विच को लगाने गए और इस टाइप से हम ग्लूगन से सारी चीज़ें करने वाले। तो अभी मेरी ग्लूगन हीट हो गई है और सारी चीज़ों को मैं फटाफट से लगा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो इस टाइप से। और अभी जो है इधर स्विच को भी मैं लगा दूंगा। आप इसमें फेविक्विक का यूज़ कर सकते हो या फिर एमसील का भी यूज़ कर सकते हो। मैं ग्लूगन का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि बाद में हमें निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। तो अभी हम जो है इसको हम फिक्स करेंगे। तो ग्लूगन की मदद से इसको भी फिक्स कर देंगे हम। तो अभी जो है इसको मैंने ग्लूगन से फिक्स किया, लेकिन यार ग्लूगन से मत फिक्स करना, फेविक्विक से करना। इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आई है, ग्लूगन की मदद से इसकी फिनिशिंग बिल्कुल ही घटिया आई है। लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा, आप जिससे चाहो उससे कर सकते हो। तो अभी मैंने इसको फिक्स कर दिया है और अभी मैं इसका हम मतलब कि हमारे बन के रेडी है, ठीक है। आपको दिखाता हूँ क्या ये वर्क कर रही है, अच्छी से वर्क कर रही है। और इसको चार्जिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पास अभी जो फ़ोन का चार्जर है वही लगा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ब्लू लाइट जल गई, मतलब कि हमारे चार्ज हो रही है, ठीक है। तो अभी जो है इसको मैंने चार्ज पे लगा दिया है। और दूसरी बात यह है कि इसको हम चार्ज करके भी इसको चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन चार्ज करके चलाने का कोई फायदा नहीं है।